सबसे पहले तमाम दोस्तों को अस्सलामुअलैकुम। कौमी T20 और वनडे कप्तान बाबर आजम की कोरोना वायरस से बचाव के लिए बनाई गई एहतियाती तदाबीर की खिलाफ वर्जी में मलूस पाए जाने का इंकशाफ हुआ, जब वो कौमी टीम के दूसरे क्रिकेटर के साथ अब्दुल कादिर क्रिकेट एकेडमी में प्रैक्टिस कर रहे थे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और एंड स्क्रीन में जो बेहतरीन वीडियो आपको मिल जाएगी आप उसे जरूर देखें। तफसीलात के मुताबिक ओपनिंग बल्लेबाज इमामुल हक और फास्ट बॉलर नसीम शाह भी बाबर आजम के हमराह दिखाए गए। मुबैना तौर पर इन खिलाड़ियों ने तरबियत के दौरान सेहत और हिफाजत के इकदाम नहीं उठाए थे। आइंदा हफ्तों में पाकिस्तान में कोविड-19 के नुक्ते नजर को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB ने इंग्लैंड रवानगी से कबल कौमी टीम की तरबियती कैंप का इनेकाद न करने का फैसला किया है। PCB के मुताबिक ऑपरेशनल और लॉजिस्टिक मामलात के साथ साथ खिलाड़ियों को महफूज माहौल में रखना भी एक कड़ा चैलेंज था। PCB पहले ही इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड से बातचीत कर रहा है ताकि इंग्लैंड के लिए जुलाई के अवाइल में रवानगी की तारीख को आगे लाया जा सके ताकि पाकिस्तानी स्क्वाड वहां अजाफी प्रैक्टिस टाइम से फायदा उठा सके। इसी दौरान PCB ने खिलाड़ियों को याद दहानी भी करवाई है कि वो इस अरसे के दौरान क्रिकेट ग्राउंड में प्रैक्टिस न करें और उन्हें लाजमी तौर पर कोविड-19 से बचाव के प्रोटोकॉल के लिए लाहौर में NCA में एक बायो से फायर माहौल फराहम करने की चैलेंज का सामना करना पड़ा। अकेडमी में 30 क्रिकेटर को सहूलत फराहम करने के साथ साथ अलग अलग रखने की अहलियत मौजूद नहीं। तो दोस्तों की बाबर आजम के हवाले से कुछ अपडेट। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, बुरी लगी हो तो डिसलाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन फौरन आपको मिलती रहे।